आज शारदीय नवरात्रि का नवा और अंतिम दिन है। पिछले दो सालों से कोरोना वायरस के चलते बाकी शहरों की तरह लखनऊ शहर में भी दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं सजाए गए थे। हालांकि इस बार नवाबों की नगरी में जगह जगह दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल सजे हुए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जानकीपुरम के सहारा स्टेट्स में सजे इस पंडाल की। इस पंडाल को देखिए, इसे नाव के शेप में तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 60 से 70 फीट है। सामने से देखने पर इसकी भव्यता कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। आपको बता दें कि इस पंडाल को तैयार करने वाले कलाकार सीधे बंगाल से आए थे। ये पंडाल बंगाल की विरासत पर आधारित है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बंगाल के कलाकार अपने ज़बरदस्त हैंडक्राफ्ट वर्क के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और शहर का ये पंडाल इस बात की खुली गवाही भी दे रहा है। पंडाल के अंदर आने पर भी एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो हम किसी बड़ी सी नाव में सवार हों। पंडाल में लगी माँ की मूर्तियाँ भी अत्यंत सुंदर व मनमोहक हैं। यहाँ दूर दराज से लोग हर रोज पहुँच रहे हैं और बंगाल के टैलेंट को नमन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि इस बार माँ नाव पर आई हैं। चलिए अब आपको जानकीपुरम की ही एक और भव्य दुर्गा पंडाल में ले चलते हैं, जो अपने आप में बहुत खास है। जी हाँ, खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेक्टर एफ में दुनिया का सबसे बड़ा पंडाल लगाया गया है। इसकी कुल ऊंचाई 136.675 फीट है। हम यूं ही इसे सबसे बड़ा पंडाल नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने खुद इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पंडाल माना है। बताया जा रहा है कि कुल 52 कारीगरों ने इस पंडाल को तैयार किया है, जिन्हें ऊंचाई के पंडाल बनाने में महारत हासिल है। पंडाल को बनाने में कुल 1 साल का समय लगा है। आपको बता दें कि पंडाल को वृंदावन में बनने वाले चंद्रोदय मंदिर की तरह बनाया गया है। इस पंडाल की ख्याति सुनकर वृंदावन से मंदिर बनाने वाले यहां आ गए और इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उनका कहना है कि अगर ये पंडाल जो मंदिर के रूप में है, जिसकी ऊंचाई 136 फीट से ज्यादा है, ऐसे में जो चंद्रोदय मंदिर बनेगा जिसकी ऊंचाई 700 फीट रहेगी, तो उसकी परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। उसका प्रतिबिंब इस पंडाल में देखने को मिल रहा है। इस पंडाल में कुल 12,000 बांस पंडाल में लगे हैं, जो असम से खास मंगवाए गए हैं। इसके अलावा इस पंडाल में 4 ट्रक थर्माकोल लगाए गए हैं। बताया जाता है कि जब पंडाल 110 फीट का हो गया था तो हिलने लगा था। उस वक्त ऐसा लगा कि अब ये इससे आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन तभी बंगाल से आए एक कारीगर ने पूरे पंडाल का कायाकल्प कर दिया। जो ठीक तरह से हिंदी भी नहीं बोल सकता था, उसने पूरे पंडाल को सुधार दिया। बहरहाल अब बारी आती है हमारी फहरिस्त में सबसे टॉप के दुर्गा पंडाल की। तस्वीरों में आप जिस पंडाल को देख रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आप अयोध्या आ गए हैं, लेकिन नहीं, आप अभी भी लखनऊ में ही हैं। जी हाँ, लखनऊ के मॉडल हाउस क्षेत्र में आने वाले शिवाजी पार्क में राम भक्तों ने भव्य राम मंदिर मॉडल का दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है। यही वजह है कि हमारी लिस्ट में ये पंडाल सबसे टॉप पर है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, और बिल्कुल ऐसा ही उत्साह इस दुर्गा पंडाल में आने वाले लोगों के मन में भी देखा जा रहा है। प्रभु राम के प्रति आस्था के चलते स्थानीय लोगों ने इस बार शिवाजी पार्क में पंडाल बनाने वाले निर्माणकर्ताओं को भव्य राम मंदिर मॉडल बनाने का आग्रह किया। क्षेत्रीय जनता की आस्था को देखते हुए करीब 12 दिनों की मेहनत के बाद राम मंदिर पंडाल बनकर तैयार हुआ है। इस पंडाल में आने के बाद प्रभु राम का स्मरण अपने आप ही आने लगता है। आप ही सोचिए, अगर एक ही जगह पर आपको माँ दुर्गा के स्वरूप और भगवान राम की जन्मस्थली के दर्शन हो, तो इसे सोने पे सुहागा नहीं तो और क्या कहेंगे। खैर, अगर आप लखनऊ या आसपास के जिलों से ताल्लुक रखते हैं और अभी तक इन तीनों दुर्गा पंडाल में नहीं गए हैं, तो आपके पास आज रात तक का समय और है। इस मौके को बिना गवाए आप यहाँ पधारें और स्वर्ग रूपी पंडाल के दर्शन खुद करें। धन्यवाद।